गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 5 सच्चे हिरन। पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। किसी जंगल में एक तालाब था। उस जंगल के पशु उसी तालाब में पानी पीने आया करते थे। एक दिन एक शिकारी उस तालाब के निकट आया। तो पुराण में जो है वहाँ पर एक बहुत सुंदर स्टोरी है पुराण की। वहाँ पर एक जंगल में तालाब था और उस जंगल में जो भी पशु थे, जो भी वहाँ पर एनिमल्स वगैरह थे, वो उस तालाब में पानी पीने आया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर एक शिकारी आया उस तालाब के पास। उसने तालाब में हाथ मुंह धोकर पानी पिया। शिकारी बहुत थका हुआ और कई दिनों का भूखा था। उसने सोचा जंगल के पशु इस तालाब पर पानी पीने अवश्य आएंगे, यहाँ मुझे सरलता से शिकार मिल जाएगा। तो क्या हुआ, उसने वहाँ पर हाथ मुंह धोकर पानी पिया और शिकारी बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत दिनों से भूखा भी था। तो उसने क्या सोचा कि जंगल के पशु तो इसी तालाब पर पानी पीने आए, ज़रूर आएंगे, तो यहाँ मुझे सरलता से यानी कि ईजिली मैं यहाँ पर शिकार कर पाऊँगा। ऐसा सोचकर वह तालाब के निकट स्थित एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तो ऐसा सोचकर उसने क्या करा, एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने शिकारी को बाण चढ़ाते देख लिया। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एक हिरनी आई तालाब पर पानी पीने के लिए। शिकारी ने क्या करा, अपना बाण तैयार करा, रेडी करा उस पर चलाने के लिए। तो हिरनी ने उसको देख लिया बाण रेडी करते हुए। वह चीख उठी, वो चीखने लगी, भाई शिकारी, मैं जानती हूँ कि अब मैं भागकर तुम्हारे बाण से बच नहीं सकती, किंतु तुम मुझ पर दया करो। मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, मेरा रास्ता देखते होंगे। तो उसने क्या कहा कि भाई मुझे पता है अब मैं आपसे बचकर जा नहीं पाऊँगी, लेकिन आप मेरे पर दया करो। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरा वेट कर रहे होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तुम मुझे एक बार उनसे मिल आने दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर उन्हें अपनी सहेली हिरनी को सौंपकर तुम्हारे पास लौटाऊंगी। उसने कहा कि तुम मुझे एक बार जाने दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं दोबारा लौट कर आऊँगी अपनी सहेली को हिरनी को उन बच्चों को सौंपकर। शिकारी हंसा, उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि यह हिरनी प्राण देने फिर उसके पास लौटेगी। उसने सोचा जब यह इस प्रकार कहती है तो इसे छोड़ देना चाहिए, मेरे भाग्य में होगा तो मुझे दूसरा शिकार मिल जाएगा। उसने हिरनी को जाने दिया। तो शिकारी हंसने लगा, उसे विश्वास नहीं हुआ कि हिरनी दोबारा वापस लौटेगी भी या नहीं। उसने सोचा कि चलो कोई नहीं, इसको जाने देते हैं, अगर मेरे भाग्य में होगा तो दूसरा शिकार मिल जाएगा मुझे। उसने हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ बड़े सींगों वाला एक सुंदर हिरन पानी पीने आया। शिकारी ने जब उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया तो हिरन ने देख लिया। वह बोला, भाई शिकारी अपनी। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक बड़ा सींगों वाला एक सुंदर हिरन वहाँ पर पानी पीने के लिए आया, लेकिन उसने भी उसको धनुष पर बाण चढ़ाते देख लिया हिरन ने भी। फिर वो क्या बोला, भाई शिकारी और बच्चों से अलग हुए, मुझे देर हो गई है, वे सब घबरा रहे होंगे, मैं उनके पास जाकर उनसे मिल लूँ और उन्हें समझा दूँ, तब मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। तो उसने भी ऐसी कहा कि मेरे बच्चों से मुझे मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, पहले मैं उनसे मिल लूँ, उनको समझा दूँ, तब मैं वापस आ जाऊँगा। इस समय दया करके तुम मुझे चले जाने दो। शिकारी झल्ला उठा, उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन हिरन को उसने यह सोचकर चले जाने दिया कि मेरे भाग्य में भूखा ही रहना होगा, तो आज और भूखा रह लूँगा। तो उसने क्या करा, उसने उस हिरन को भी जाने दिया, लेकिन वो झल्ला उठा, उसको भी गुस्सा आ गया, वो सोचने लगा कि इसको मैं जाने देता हूँ, अगर मेरे भाग्य में आज भूखा रहना ही लिखा है तो आज भी भूखा रह लूँगा। हिरनी अपने बच्चों के पास गई, उसने बच्चों को दूध पिलाया, प्यार किया, फिर अपनी सहेली हिरनी को सारी बातें बताकर उसने अपने बच्चे सौंपने चाहे। तो फिर हिरनी ने क्या करा, उनको दूध पिलाकर प्यार करके अपनी सहेली को हिरनी को बता दी सारी बातें और अपने बच्चे उसको सौंप दिए। इतने में वहाँ वह हिरन भी आ गया, उसने भी बच्चों को प्यार किया। बच्चे अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं थे। अंत में उनका हठ मानकर हिरन और हिरनी ने उन्हें भी साथ ले लिया। तो क्या हुआ, वो जो दूसरा वाला हिरन था वो भी आ गया वापस, वो भी अपने बच्चों को सौंपने चाहने लगा कि मैं भी अपने बच्चों को किसी को सौंप दूं। लेकिन क्या हुआ, जो बच्चे थे वो ज़िद कर रहे थे कि हम भी आप लोगों के साथ ही जाएंगे। तो लास्ट में क्या हुआ, हिरन और हिरनी ने दोनों ने अपने बच्चों को भी साथ ले लिया। तालाब के पास आकर हिरन ने शिकारी से कहा, भाई शिकारी अब हम लोग आ गए हैं, तुम अब हमें अपने बाड़ों से मारकर हमारे मांस से अपनी शुद्धा तृप्त कर लो। तो उसने क्या कहा, वो हिरन ने कहा शिकारी से कि अब हम लोग आ गए हैं, अपने बाड़ से हमें मारकर अपनी भूख मिटा लो।
हिरन और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पेड़ से नीचे उतर आया। वह सोचने लगा, ये हिरन पशु होकर भी अपनी बात के कितने सच्चे हैं। ये प्राणों का मोह छोड़कर सत्य की रक्षा के लिए मेरे पास आए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, हिरन और हिरनी में कितनी सच्चाई है। वो बहुत शॉक्ड हो गया कि यह लोग वापस आ गए। वह सोचने लगा कि ये हिरन पशु होकर भी, मीन्स एनिमल्स और पशु होने के बाद भी, इन लोगों में कितनी सच्चाई है कि प्राणों का मोह छोड़कर, प्राणों ममता का बंधन छोड़कर सत्य की रक्षा के लिए मेरे पास आ गए। मनुष्य होकर भी मैं कितना नीच और पापी हूँ कि पेट भरने के लिए निरपराध पशुओं की हत्या करता हूँ। तो उसने कहा कि मनुष्य होकर भी, एक लिविंग बींग होकर भी, मैं कितना नीच और पापी हूँ कि पेट भरने के लिए मैं निर्दोष पशुओं की हत्या करता हूँ। अब मैं किसी पशु को नहीं मारूंगा। वो क्या कहता है, अब मैं किसी पशु को नहीं मारूंगा। शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। उसी समय स्वर्ग से एक विमान उतरा। उस विमान को लाने वाले देवदूत ने कहा, हे शिकारी, ये हिरन सत्य की रक्षा करने के कारण निष्पाप हो गए हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उसी समय स्वर्ग से एक विमान उतरा। और विमान कौन लेकर आया था, देवदूत। उन्होंने कहा, हे शिकारी, ये जो हिरन है, ये सत्य यानी कि ट्रुथ की रक्षा करने के लिए, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया होता उनको निष्पाप बोलते हैं, वो निष्पाप हो गए हैं। ये अब स्वर्ग को जाएंगे, यानी कि ये अब हेवन जाएंगे। तुमने इन जीवों पर दया की है, इसलिए तुम भी इनके साथ स्वर्ग चलो। उसने कहा कि क्योंकि तुमने इनकी इन पर दया की है, अब आपको भी हमारे साथ हेवन ही जाना होगा। हिरन, हिरनी और उनके दोनों बच्चों का रूप देवताओं के समान हो गया। वह शिकारी भी देवता बन गया। सत्य और दया के प्रभाव से विमान में बैठकर वे सब स्वर्ग चले गए, क्योंकि हिरन और हिरनी उन दोनों और उनके बच्चों का जो रूप था वो देवता के समान हो गया था, देवता के जैसा हो गया था। वो शिकारी भी देवता बन गया और सत्य और दया के असर से विमान में बैठकर वे सब लोग स्वर्ग चले गए। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू।